हैलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्निकल। अज की इस वीडियो दे विच असीं मूल कंसैप्ट नूं समझण जा रहे हां। सो ए प्रिपरेशन दे लई वीडियो बनाई जा रही है। फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th आ। सो इहदे विच इस वीडियो दे विच सिर्फ असीं मूल कंसैप्ट ही समझांगे, तां इहदे नाल रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स असीं जिहड़े ने उह सोल्व करांगे, कुछ फॉर्मूले असीं लर्न करांगे, उन्होंने बना के देखांगे। ठीक है, मूल कंसैप्ट मतलब सारा साढ़ा ये कवर हो जाएगा। इदियाँ कुछ टर्म्स असी इंपॉर्टेंट टर्म्स लेंगे ने, एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। ये तिना टर्म्स नू समझना तुहाडे लई बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की हुंदा है? मास ऑफ वन एटम। ठीक है, असीं एटॉमिक मास की है कि एक एटम दा मास, एक एटम दे मास नूं असीं एटॉमिक मास कहने हैं। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, एक एटम है नाइट्रोजन दा इत्थे। ठीक है, सो इहनूं इहदा मास किन्ना हुंदा आ, दैट इज़ 14। असीं इहनूं की बोलांगे, ये की आ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नैक्सट इज मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास की हुंदा है? मास ऑफ वन मोलीक्यूल। ठीक है, एक ही हुंदा है मास ऑफ वन मोलीक्यूल, किसी एक मोलीक्यूल दा मास। ठीक है, मोलीक्यूल की है जेडे एलीमेंट्स तो मिलके बनते ने, लाइक आ कोई मोलीक्यूल है। ठीक है, CH2, इहदा सी मोलीक्यूलर मास पता करना है। सब तो पहला सानू इहदे एटम्स दा मास निकालना पएगा। एटॉमिक मास जिहनूं असीं कहिंदे आ एक एटम दा मास, असीं पहले कार्बन दा एटॉमिक मास कढांगे, उस तों बाद हाइड्रोजन दे दो एटम्स दा एटॉमिक मास कढ के उहनूं जोड़ देवांगे, साडा मोलिक्यूलर मास आ जाएगा। किवें? हुण कार्बन दे इत्थे किन्ने एटम्स ने? वन इंटू कार्बन दा एटॉमिक मास की हुंदा आ, दैट इज़ 12। जोड़ देवांगे एच ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ? 2 ਇੰਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ 1। 12 ਪਲੱਸ 2 ਇਟਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14। ਸੋ 14 ਹੋਏਗਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮਿਕ ਮਾਸ ਔਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮਾਸ ਆਫ 1 ਮੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ। ठीक है, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। ठीक है, ये की है एक एटम दा मास, ये एक मोलीक्यूल दा मास, ते ये एक मोल पार्टिकल्स दा मास मोलर मास कहाउंदा है। ठीक है, एक एटम दा मास एटॉमिक मास कहाएगा, एक मोलीक्यूल दा मास मोलीक्यूलर मास कहाएगा, और एक मोल पार्टिकल दा मास जड़ा आ वह मोलर मास कहाउंदा है। हुण तुहानूं पता है कि एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स असीं लिख सकते हैं इहनूं। ठीक है, इन्ने पार्टिकल्स दा मास मोलर मास कहाउंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि इहदे नाल रिलेटेड कुछ MCQs आ जाते हैं। ठीक है, वन मोल मीनस इन्ने पार्टिकल्स। ठीक है, और असीं मोलर मास नूं बेसिकली टू पार्ट्स दे विच डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एटम दे बेस दे उत्ते और नैक्सट इज मोलीक्यूल दे बेस दे उत्ते। किवें? वो तुहानूं दसदा हां, जिवें एटम दा जिहड़ा मोलर मास होएगा उहनूं असीं कादे च मैजर करते हैं, दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। उहनूं असीं कहने हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM। और मोलीक्यूल दा जिहड़ा मोलर मास है उन्हों असी की कहांगे? GMM, मोलीक्यूलर मास, सॉरी ग्राम मोलीक्यूलर मास। जिमें एग्जाम्पल देखते हैं, नाइट्रोजन दा असी एटॉमिक मास देखा उपर, दैट इज़ 14। इनू असी यू दे विच लिखांगे, यूनिट दे विच। ठीक है, इनू असी यू दे विच लिखांगे। और जिहड़ा साडा मोलीक्यूल दा मास होएगा उन्हों असी की लिखांगे? 14 ग्राम।
आई होप कि तुहानू क्लीयर हो गए होंगे दोनों ही कंसैप्ट. एंड आफ्टर दिस दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन मोल मीन्स. पिछे असं डिस्कस किया कि वन मोल के इक्वल हों 6.022 × 10²³. वन मोल की वैल्यू इन्नी होंगी है, इन्ने पार्टिकल्स के बराबर होंगे वन मोल. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यू इतों ईजीली बन सकता है. और नैक्सट है कि जे एटम के केस के देखिए तो वन मोल जड़ा आ वह इन्ने एटम्स के इक्वल हों. ठीक है, जे असी एटम के केस के देखिए तो वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स. ठीक है, और जे असी इन मोलीक्यूल्स के केस के देखिए तो वन मोल इन्ने मोलीक्यूल्स के इक्वल हों. सो ये चीज़ा याद रखनिया ने. नैक्सट है साढ़े को एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे बेसिस से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं. सो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास. सो इस फॉर्मूले के नाल असीं तीन चीज़ा फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जे सानूं असीं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो असीं गिवन मास नूं एटॉमिक मास दे नाल डिवाइड कर देवांगे. और जे असीं गिवन मास फाइंड करना है सानूं ये दो चीज़ा दित्तियां ने वह भी असीं कर सकते हैं. ठीक है, जे सानूं असीं एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है, वह तो वैसे ईजी हुंदा आ, विदाउट फॉर्मूला भी असी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, असी नंबर ऑफ मोल्स लिए इस फॉर्मूले यूज़ करते हैं बेसिकली. ठीक है, हुण मैं तुहानू इहदे नाल रिलेटेड एक बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल जिहड़ा हैगा आ मैं तुहानू सॉल्व करवाउंदा आ. सो असी फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, H2O असी लैने हाँ वाटर दे, असी इहदे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स. 36 ग्राम वाटर का सानू मास दिता हुआ आ, 36 ग्राम ऑफ वाटर जो असी नंबर ऑफ मोल्स पता करने. सो किवें पता करने, पता की करना असी नंबर ऑफ मोल्स. तो असी लिखांगे नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला अप्लाई करांगे, गिवन मास, गिवन मास कितना है 36 ग्राम, 36 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. एटॉमिक मास किवें फाइंड करते हैं, इहदा एटॉमिक मास नहीं होएगा बेसिकली, इहदा की होएगा मोलीक्यूलर मास होएगा. सो असी किवें फाइंड कर सकते हैं H2O दा, असी पिछे करके आए हैं दैट किन्ना हुंदा आ, H2O दा असी पिछे करके आए हैं किन्ना हुंदा है 18. ठीक है, असी पिछे डिस्कस कर चुके हैं इनू. सो तुहाडे सामने है 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36. सो 2 मोल्स आंसर आ गया, 2 मोल्स होंगे साडा ए आंसर आ गया. सो इस प्रकार ईजीली इस फॉर्मूले नू यूज़ करके असी नंबर ऑफ मोल्स जड़ा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप कि तुहानू ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होएगा, बहुत ही ईजी सेगा. सो जे तुहानू साडा चैनल कुछ भी समझ आया इस वीडियो के द्वारा तो चैनल नू लाइक करना और वीडियो नू सबसक्राइब करना ना भुलना, ता जो तुहानू साड़ी हर वीडियो दा नोटिफिकेशन मिल सके. मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच बहुत ही जल्दी. हैप्पी लर्निंग टू ऑल.